हेलो दोस्तों, केम छो कसकाय हैंगिद्री, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस पत्तानी ऑल इन वन। तो दोस्तों, हैंगिद्री क्या है, जैसे कि आपको बता दूं, मैं हूं बेलगाम में, जो कि है कर्नाटक में। तो यहां पे कन्नड़ भाषा होती है, तो केम छो को हैंगिद्री बोलते हैं। तो मैंने आज वो भी इंक्लूड कर दिया आज ये चैनल थ्रू। अब आप देख सकते हो मैं हूँ, ये पंचामृत करके है रेस्टोरेंट। मेरे को भूख लगी थी और समझो आप 1:30 बजे का टाइम हुआ है, तो यहाँ जो मेरे रिलेटिव्स हैं क्लोज खास, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है वेजिटेरियन, तो मैं आया हूँ। ये जगह है, आप समझो ये है नानावाड़ी रोड जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पंचामृत के राइट साइड आप देखोगे तो ये है कांग्रेस रोड, इधर कांग्रेस गार्डन करके भी है। तो ये जगह यहाँ पे बीचों बीच आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, और ख़ास करके मैं आपको फेवरेट चीज़ें जो कि टॉप पे मैं खाऊँगा, कोई भी 2 आइटम जो कि नंबर 1 यहाँ की मैं मानता हूँ होगी। तो चलिए दोस्तों अंदर जाते हैं, फिर आपको अच्छे से रिव्यू बताता हूँ, ठीक है, अंदर जाके। चलो गर्मा गर्म पालक डोसा, जो कि पहले आप चख लो, अब मैं इसका बराबर से खा के आपको अच्छे से टेस्ट समझाता हूँ कि ये पालक डोसा टेस्ट में कैसा है। ये दोस्तों, एक नंबर। तो ये देखिए, अब बारी है पाव भाजी खाने की। तो आप देख सकते हो कितनी अलग प्रकार की पाव है, एकदम छोटी छोटी और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अभी मैं इसको खा के आपको अच्छे से इसका भी रिव्यू बता दूँ। पहले चख लो आप भी। वाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने पालक का डोसा, मसाला डोसा मंगवाया, जो कि है 75 रुपीज़ ओनली। एंड लाइक आप मानोगे नहीं, इतना लाइट, मतलब जनरली मसाला है तो थोड़ा सा स्टफिंग जो होता है, अपना पोटैटो का स्टफिंग मसाला डाल के पूरा स्टफिंग होता है, जैसे डोसे में होता है। बट व्हाट इज़ डिफरेंट, जहाँ आपको ये डोसा तो हर जगह मिलता है, बट पालक का डोसा अल्टीमेट मैंने बहुत कम जगह, मतलब रेयर जगह पे ये चीज़ चखी होगी, जो कि मेरे को आज पंचामृत में खाने को मिला। एंड लाइक अमेजिंग, जो ऑयल ये लुस्ते हैं, जो अपना स्टाइल है बनाने का, क्योंकि कटिंग करते हैं पीसीज, एंड लाइक पालक जो होती है वो भर भर के है, ठीक है ना। तो मतलब एक्सीलेंट, मतलब आपको ये करेगा कि मैं 2-3 डोसा ऐसे बैठ बैठ के खा जाऊँ, मेरी जैसा हुआ तो, ठीक है, तगड़ा आदमी। तो दूसरी आइटम जो हमने मंगवाई थी, पाव भाजी। जनरली मैं बता दूं आपको कि ये सब बाहर की चीज़ें मैं कम खाता हूं, पर जब भी खाता हूं, सिलेक्टिव खाता हूं, अच्छा चीज़ होता है तो वो ज़रूर चखता हूं। तो वैसे ही मैंने पाव भाजी भी मंगाई, जैसे आपने देखा वीडियो में जो लुक, वाकई में दोस्तों खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं पाव भाजी, इतनी हैवी होती है पाव, खास करके कड़क कड़क होती है, एकदम सॉफ्ट, और बटर तो जैसे बारिश कर दी है बटर की, इतना सॉफ्ट
कुशनिंग पाव और इसका जो भाजी था, मतलब एकदम वो पिक भी नहीं है स्पाइसीनेस का और एकदम वो माइल्ड भी नहीं है, एकदम मॉडरेट था और टेस्ट एकदम सुपर। आप बोले मेरे भाजी में अलग से पैक करके जाऊँ और वहाँ पे पूरा दिन आपको रोटी के साथ खाने का मन करेगा, इतनी अच्छी टेस्ट थी। तो थम्स अप टू दिस प्लेस, थम्स अप टू दिस टू आइटम्स विच आई हैव टेस्टेड एंड इट्स अ वेरीफाइड थिंग। किसी भी शेफ, मास्टर शेफ अगर यहाँ पे आएंगे वो चखेंगे तो बोलेंगे यार 100 में से 100। आई वॉन्टेड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वेट क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों को शेयर करो। बहुत लोगों ने कर्नाटक नहीं आया, बेलगाम नहीं आया, उनको बताओ कि जब भी आप जा रहे हो तो ये ऐसी जगह पे आप जाओ और स्पेसिफिकली ये चीज़ तो ट्राई करे बिना नहीं आना। तो टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंस वत्वानी, ऑल इन वन, लव यू, टेक केयर।